एडिशनल डायरेक्टर जनरल नाहिद गुल बलोच की ज़ेर सदारत इजलास। इजलास में PHA के दो डायरेक्टर्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई है, एक दूसरे पर रिश्वत के इल्ज़ामात लगाते रहे। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख सैन उलाबिदीन से। शेख सैन, वजह क्या बनी? जी हाँ, ना ये PHA की महकमाना कारकर्दगी का इजलास एडिशनल डायरेक्टर जनरल नहीद कुल बलोच की जेर सदारत चल रहा था कि वहाँ पर PHA के दो डायरेक्टर्स के दरमियान तलख कलामी हुई और यह तलख कलामी बढ़ती बढ़ती इस कदर बढ़ गई कि दोनों डायरेक्टर्स और ये जो इजलास है ये मैदान जंग बन गया। इस मौका पर डायरेक्टर जवेद हामिद और डायरेक्टर ताहिर एजाज के दरमियान ये तलख कलामी हुई, जिसके बाद दोनों अफसरान ने एक दूसरे को संगीन नतज की धमकियाँ दी और अफसरान के दरमियान झगड़ा ये मुलाजमीन की तनख्वाहों और प्रोजेक्ट्स की अंदर बांट पर हुआ। फिर दोनों अफसरान मीटिंग में एक दूसरे पर रिश्वत के इल्जाम भी लगाते रहे। तहम एडिशनल डायरेक्टर जनरल नहीद गुल बलोच ने मामले में मुदाखलत करते हुए मामला रफा दफा करवाया। तहम उसके बाद जब ये इजलास खत्म हुआ तो फिर जब दोनों डायरेक्टर्स बाहर निकले तब भी वो एक दूसरे को संगीन नतज की धमकियां दे रहे थे।